नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की एटीएम युक्त 5 वित्तीय साक्षरता वाहनों को फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के नवम वार्षिक प्रतिवेदन का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंडिया मिशन को अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में ये सराहनीय प्रयास है। इन वाहनों का उपयोग राज्य की आम जनता को वित्तीय साक्षर बनाने और एटीएम के माध्यम से लेनदेन का डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने में किया जाएगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए भारी तादाद में तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन कराने पर प्रदेश के पर्यटन और तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में ही चारधाम यात्रा के लिए 42,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। निश्चित रूप में ये बड़ी खुशी की बात है कि पहले ही दिन 42,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये बड़ी खुशखबरी है। इसका मतलब यह है कि लोगों में बड़ा उत्साह है और लोग अपने आप को पिंजरे में बंद करा महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम धार्मिक जगह में जाएं, खासकर उत्तराखंड में जाएं, जहाँ की आबोहवा बड़ी स्वच्छ है और हेल्थ गिविंग है, बामी एयर है यहाँ की, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है। और जैसे जैसे लोग जाते रहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। यात्रा पूरी रेगुलेटेड है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को पूरे निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा को देखें और जो SOP है उसका पालन करें। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत ने विधानसभा स्थित कक्ष में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही बैठक में मंत्री ने आगामी 1 अक्टूबर 2021 खरीफ खरीद सत्र में धन क्रय के संबंध में सभी तैयारियां पूर्ण कर लेने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था की जाँच परख कर ली जाए। खाद्य विभाग का विशेष जो विषय है वो धान केंद्र पर खरीद है। हमने जैसे धान खरीद, गेहूँ खरीद किया है और बहुत सुविधा के साथ काश्तकार का गेहूं खरीदा और समय पर पेमेंट किया है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि धान की खरीद भी काश्तकार की समय से हो, सुविधाजनक तरीके से हो और उसका पेमेंट भी ढंग से हो। तो इस समय हमने कहां कहां केंद्र होंगे ये चयन कर लिया है, उनमें स्टाफ की नियुक्ति कर ली है। कृषकों का पंजीकरण का कार्य तेज़ी से चल रहा है, 30 तारीख से पहले ये सब हो जाएगा। और परिवहन के ठेकेदार कौन करेंगे, हैंडलिंग और परिवहन का काम कौन करेंगे, ये तय कर लिया है। तो बोरों की स्थिति भी ठीक है, अपने पैसे की स्थिति भी ठीक है। हम हर तरह से धान खरीद के लिए पूर्णतया तैयार हैं। पूरा सब कुछ हमारा सेटअप ठीक कर लिया गया। किच्छा के ग्रामीण क्षेत्र धौराडाम में गणेश मूर्ति के विसर्जन के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। आज सुबह जब ग्रामीण डैम पर गए तो उन्होंने तैरता हुआ शव दिखाई दिया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पानी से निकलवाया और ग्रामीणों ने इसकी जानकारी जुटाई। काफी मशक्कत के बाद युवक की शिनाख्त किच्छा के आवास विकास कॉलोनी नई सुनहरी के रूप में हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज डोईवाला के कोड़कावाला स्थित शिव मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई महिलाओं और पुरुषों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई। लोगों का विश्वास ये लगातार बढ़ रहा है और विशेषकर युवाओं और महिलाएं आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, उनका हम बहुत स्वागत करते हैं। और ये जो लोग जो हमारे नौजवान भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, ये लगातार चलता रहेगा और भारी संख्या में हम चाहते हैं कि जो युवा हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें, तो सिलसिला शुरू हुआ है। उत्तराखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ा के किच्छा स्थित कैंप आवास कार्यालय में कल देर अज्ञात चोरों द्वारा हजारों की कीमत का सामान चुरा किच्छा पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। किच्छा स्थित आवास विकास में पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ा ने अपना चुनावी कार्यालय सहित आवास खोला था, जहां रात्रि 8:30 बजे अज्ञात चोरों द्वारा पूर्व मंत्री के घर से इन्वर्टर बैटरी सहित हजारों रुपए की नकदी चुराकर चोर फरार हो गए। हाँ, वैसे ही नॉर्मली उसमें कहा रात को जैसे हमारा रोज का टाइम है 7 बजे हम बंद करके ऑफिस जाते हैं। वो कल हम गए थे, सब सही सलामत था। सुबह हमने लगभग आज थोड़ा लेट 11 बजे ऑफिस खोला तो हमें आइडिया हुआ कि बाहर के ताला हल्का सा टूटा हुआ है। तो फिर हमने जब चेक करा तो एक बैटरी हमारा बड़ा बैटरा नया बैटरा था, ऑफिस खुलने के बाद ही लगाया था। और 8,000 रुपये नकद क्या सकते थे हमारे भाई के कमरे में, वो भी गए, बाकी कोई। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।